अस्सलाम वालेकुम क्लास थ्री नाइन्थ होपिंग यू आर आल फाइन आज का लेसन स्टार्ट करते हैं डेटेड एट्थ ऑफ अगस्त टू थाउजेंड ट्वेंटी द सब्जेक्ट इज बायोलॉजी चैप्टर नंबर फोर लास्ट टॉपिक में हमने मूवमेंट ऑफ मालिक्यूल्स देखी थी कि किस किस तरह से मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं इन टू द सेल एंड आउट ऑफ द सेल सेल के अंदर कैसे मॉलिक्यूल्स मूव करके जाते हैं और सेल के अंदर से मॉलिक्यूल्स बाहर कैसे आते हैं मूव करके सो so उसमें हमने डिफ्यूजन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस पढ़ा था आज का हमारा टॉपिक है वाटर बैलेंस प्रॉब्लम्स पेज नंबर सेवेंटी वन लेकिन इस टॉपिक को समझने के लिए कि प्लांट्स में स्पेशली और एनिमल्स सेल्स में प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में वाटर अगर बैलेंस ना हो सके वाटर के अगर अप्रोप्रिएट अमाउंट ना हो तो क्या प्रॉब्लम्स होते हैं सेल्स के साथ बट इस चीज़ को समझने से पहले हमें डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस को समझना पड़ेगा सॉल्यूशंस की तीन टाइप्स हैं कंसीडरिंग द टोनिसिटी। टोनिसिटी मींस उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कितनी है उसका गाढ़ापन कितना है उसमें सल्यूट कितना ऐड किया गया है सल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है सल्यूट फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्ज़ाम्पल आप शिकंजबीन बनाते हैं शिकंजबीन बनाते हुए आप पानी के अंदर कुछ शुगर ऐड करते हैं तो जो शुगर आपने ऐड की है दैट इज़ सल्यूट इसी तरह से आप थोड़ी सी अमाउंट में सॉल्ट भी ऐड करते हैं शिकंजबीन बनाने में सो इज़ सल्यूट और जिस चीज के अंदर आप ऐड कर रहे हैं दैट इज वाटर पानी क्या है सॉल्वेंट है जब आपने पानी के अंदर शुगर और सॉल्ट ऐड किया तो वो एक सल्यूशन बन गया सोल्यूशन की डेफिनेशन uh, क्या है वेन अ सोल्यूट इज एडेड इन टू द सॉल्वेंट वेन अ सल्यूट इज डिजोल्व इन टू अ सॉल्वेंट जब एक सोल्यूट किसी सॉल्वेंट में डिजोल्व हो जाए हल हो जाए तो सोल्यूशन बनता है अगर डिजोल्व ना हो सके फिर वो सोल्यूशन नहीं है बल्कि वो एक मिक्सचर होता है सो हाइपर टॉनिक सोल्यूशन क्या है हाइपर मीन्स हाई ज्यादा टॉनिक मीन्स कंसेंट्रेशन वाला टॉनिक मीन्स गाढ़ेपन वाला हाइपर टॉनिक सोल्यूशन मीन्स ऐसा सोल्यूशन जिसकी जिसमें सोल्यूट नस्बता ज़्यादा हो बनबत दूसरे सोल्यूशन के ठीक है ऐसा सोल्यूशन जो गाढ़ा हो ऐसा सोल्यूशन जिसमें सोल्यूट ज़्यादा हो डेट इज़ हाइपोटॉनिक हाइपो मीन्स लेस लो कम टॉनिक मीन्स गाढ़ेपन वाला हाइपोटोनिक सोल्यूशन वो सोल्यूशन है जिसमें सोल्यूट की अमाउंट नस्बता कम होती है और आइसो मीन्स सेम आइसोटोनिक सोल्यूशन आइसोटोनिक हमेशा वर्ड यूज होगा दो सोल्यूशन के लिए दो सोल्यूशन आपस में आइसोटोनिक कब होंगे जब दोनों में इक्वल सोल्यूट कंसेंट्रेशन मौजूद होगी अब हम आ जाते हैं प्लांट सेल के प्रॉब्लम्स पर अगर प्लांट सेल्स में वाटर की अप्रोप्रिएट अमाउंट ना हो अमाउंट ऑफ वाटर प्लांट सेल के अंदर कम हो जाए या ज्यादा हो जाए तो क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं प्लांट सेल को अगर आप प्लांट सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखें अगर आप प्लांट सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखें तो उसका इफेक्ट क्या होगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में आपको पता है कि सल्यूट की अमाउंट कम है हाइपो लेस सो नतीजा क्या होगा सेल के अंदर भी तो एक सोल्यूशन मौजूद मुझ। है जिसमें साइटोप्लाज्म है साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत से सॉल्ट मौजूद हैं साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत से शुगर्स बहुत से आयंस बहुत से मॉलिक्यूल्स प्रोटीन्स एंड फैट्स मौजूद हैं सो वो एक बहुत ही थिक सल्यूशन है अगर आप सेल को सेल यानी कि उसके अंदर साइटोप्लाज्म भी है और वो बहुत थिक सोल्यूशन है अगर आप सेल को एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रख दें तो नेचुरली इस हाइपोटोनिक सोल्यूशन में से वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करके सेल के अंदर जाएंगे और सेल फूल जाएगा सेल का वॉल्यूम बड़ा हो जाएगा और ये प्लांट सेल में नॉर्मल कंडीशन जिसको हम कहते हैं टर्गर जिसकी वजह से प्लांट सीधा खड़ा होता है और वो मुरझाता नहीं है नॉर्मल कंडीशन है प्लांट सेल की अब प्रेशर की वजह से सेल मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन जो कि लिपिड बाई लेयर है बहुत एक फ्लेक्सिबल लेयर है वो फट जानी चाहिए लेकिन प्लांट सेल्स में वो रप्चर नहीं होती क्यों क्योंकि प्लांट सेल्स में सेल मेम्ब्रेन के बाहर क्या चीज मौजूद है एक हार्ड सी सेल वॉल मौजूद है फिर अगर आप प्लांट सेल को हाइपर टॉनिक में रहे हाइपर मीन्स ज्यादा टॉनिक मीन्स टोनिसिटी वाला अगर ऐसे सोल्यूशन में रखें जो बहुत ज़्यादा गाढ़ा है तो क्या होगा प्लांट के सेल में से वाटर मूव करके बाहर आएगा और प्लांट सेल प्लाजमोलाइज हो जाएगा प्लांट मुरझा जाएगा प्लांट सेल जब श्रिंक करेगा सुकड़ जाएगा तो प्लांट मुरझा जाएगा और अगर आप प्लांट सेल को आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखें तो वो फ्लैसेड सा ढीला ढाला सा हो जाएगा जिसकी वजह से फिर प्लांट भी ओवरऑल ढीला ढाला हो जाएगा अगर आप इसी इफेक्ट को बुक में देखें तो आपको एक फिगर मिलेगी पेज नंबर सेवेंटी वन पर जिसमें टोनिसिटी का इफेक्ट बताया गया है प्लांट सेल के ऊपर लोअर पोर्शन में प्लांट सेल आप देखेंगे कि अंदर वाली सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक सेल वॉल भी मौजूद है तो अगर आप हाइपोटोनिक सोल्यूशन में प्लांट सेल को रखेंगे उसमें पानी एंटर होगा पानी हमेशा हाई वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ जाएगा कम गाढ़े सॉल्यूशन में से पानी हमेशा मूव करके ज्यादा गाढ़े सॉल्यूशन में जाएगा सो ये प्लांट सेल टर्जिड हो जाएगा जिसकी वजह से पूरा प्लांट पूरे प्लांट में टर्जिडिटी आ जाएगी और अगर वो मुरझाया हुआ था तो अब वो सीधा हो जाएगा इस तरह से अगर आप प्लांट सेल को आइसोटोनिक सोल्यूशन में रखें तो जितना पानी अंदर जाएगा उतना ही पानी बाहर जाएगा नेट कोई मूवमेंट नहीं होगी वाटर मॉलिक्यूल की सो so, ये प्लांट सेल विल्ड तो नहीं करेगा श्रिंक तो नहीं होगा लेकिन ये ढीला सा होगा लेकिन अगर आप प्लांट सेल को हाइपरटॉनिक सोल्यूशन में रखते हैं, हाइपरटोनिक सोल्यूशन जो बहुत ज्यादा गाढ़ा है तो क्या होगा प्लांट सेल के अंदर से वाटर मूव करके बाहर चला जाएगा और प्लांट सेल खुद श्रिंक हो जाएगा उसकी प्लाज्मोलाइसिस हो जाएगी वो डैमेज हो जाएगा ठीक है सो so, ये थे प्रॉब्लम्स प्लांट सेल के अंदर कौन से प्रॉब्लम्स वाटर बैलेंस के प्रॉब्लम्स अगर वाटर वाटर बैलेंस ना हो सके प्लांट सेल्स में तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगे अब हम आ जाते हैं एनिमल सेल्स पे एनिमल सेल्स में आपको पता है सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल नहीं होती सो so, अगर आप एनिमल सेल को हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखेंगे कम गाढ़े सोल्यूशन में रखेंगे तो पानी सोल्यूशन में से मूव करके सेल के अंदर जाएगा और सेल रप्चर हो जाएगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो सेल श्रिंक हो जाएगा और अगर आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो अब सेल नॉर्मल रहेगा इसी को अगर हम फिगर में से देखना चाहें पेज नंबर सेवेंटी वन पर फिगर दी हुई है फॉर एनिमल सेल यहाँ पर आप देखें सिर्फ सेल में है बाहर एक और सेल वॉल मौजूद नहीं है सो एनिमल सेल अगर आप हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखेंगे हाइपोटोनिक सोल्यूशन से वाटर मूव करके आता जाएगा आता जाएगा सेल के अंदर सेल स्वेल करेगा और फाइनली वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकेगा और सेल फट जाएगा सेल ख़त्म हो जाएगा आइसोटोनिक सोल्यूशन में रखेंगे तो एनिमल सेल नॉर्मल रहेगा आइसोटोनिक में जितनी सेल के अंदर की कंसनट्रेशन है सेल के अंदर के इन्वायरमेंट की उतनी ही सेल के बाहर के इन्वायरमेंट में उतनी ही कंसनट्रेशन उतना ही गाढ़ापन हो सो दिस इज द रिक्वायरमेंट फॉर एनिमल सेल्स कि आइसोटोनिक एन्वायरमेंट होना चाहिए जबकि प्लांट सेल में रिक्वायरमेंट क्या है हाइपोटोनिक सोल्यूशन होना चाहिए प्लांट सेल के बाहर का एन्वायरमेंट हाइपोटोनिक होना चाहिए अगेन एनिमल सेल में आ जाए अगर एनिमल सेल को हम हाइपरटोनिक सोलूशन में रख दें तो उसी तरह से वाटर सेल के अंदर से मूव करके बाहर जाएगा और एनिमल सेल श्रिंक हो जाएगा और ये जो हमने पढ़ा है कि वाटर हमेशा हाई वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ जाता है तो ये कैसे आप एक कोई भी बर्तन लें उसमें दरम्यान में एक सेमी परमेबल मेमब्रेन लगा दें सेमी परम्यबल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन होती है जो जस्ट वाटर मॉलिक्यूल्स को अलाउ करती है कि उसमें से पास हो सके या कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स को अलाउ करती है बाकी के मॉलिक्यूल्स को अलाउ नहीं करती कि उसमें से मूव कर सकें अब एक साइड पे आप इस मेम्ब्रेन की सेमी परम्यबल मेम्ब्रेन की एक साइड पे आप कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ले लें और दूसरी साइड पे आप डाइल्यूट सोल्यूशन ले लें अब क्या होगा यहाँ पर आप देखें इस डाइल्यूट सोल्यूशन में से वाटर मोलिक्यूल्स ख़ुद ब खुद मूव करके कंसनट्रेट में जाएंगे और एक साइड पे लेवल कम हो जाएगा क्योंकि यहाँ से वाटर मूव करके दूसरी साइड पे गया है और दूसरी साइड पे जहाँ कंसनट्रेटेड जहाँ पर गाढ़ा सोल्यूशन था वहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज हो गया लेवल वहाँ पर बढ़ गया है सो दिस इज़ ऑसमोसिस वाटर हमेशा कम गाढ़े सॉल्यूशन से मूव करके ज्यादा गाढ़े सॉल्यूशन में जाता है ये जो ब्लू छोटे से मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे छोटे, छोटे डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं और ये जो बड़े से पिंक कलर के डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं ये सोल्यूट है इस सोल्यूशन में आप देखें बहुत कम सोल्यूट मॉलिक्यूल्स है जब जबकि यहाँ पे बहुत ज्यादा है सो इट मीन ये पतला थिन सॉल्यूशन है और ये गाढ़ा सॉल्यूशन है सो वाटर मॉलिक्यूल्स हमेशा पतले सॉल्यूशन में से हमेशा डाइल्यूट सॉल्यूशन में से हमेशा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में से मूव करके जाएंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन यानी कि गाढ़े सॉल्यूशन में दिस इज ऑस्मोसिस सो दैट वाज ऑल अबाउट आवर टुडेज लेसन और आज का हमारा लेसन क्या था वाटर बैलेंस प्रॉब्लम्स इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगेन मिलेंगे तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और लेसन अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए अल्लाह हाफिज़